मैं हूँ शिल्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पी लाइफ एंड स्टाइल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा हॉल होने वाला है मीशो हॉल और मैं शेयर करने वाली हूँ मीशो से लिए हुए ढेर सारे कॉर्सेट। कई समर को देखते हुए मैंने मोस्टली कॉटन फैब्रिक लिया है, रेयन फैब्रिक लिया है और बहुत अफोर्डेबल है, अंडर 600 में पूरा कलेक्शन मिल जाएगा आपको। मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटी ली है इसके अंदर। तो गाइज आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज स्किप मत कीजिएगा। तो चलो अपनी वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले मेक श्योर चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं अपने फर्स्ट कॉर्सेट के साथ में। तो फर्स्ट मैंने पिक किया ये ब्लैक कलर का, इसमें कलर ऑप्शन नहीं थे। साइज आपको मिल जाएंगे सारे के सारे, स्मॉल से लेके आपको डबल एक्सल तक के साइज मिल जाएंगे। फुल ऑन ट्रस्टेड था और 4.2 आई थिंक इसकी रेटिंग थी, मैंने उसके बाद पिक किया था लेकिन उतना ही अच्छा भी निकला है ये। फैब्रिक इसका खादी कॉटन का है और समर में कॉटन खादी कॉटन तो काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। तो मैं सबसे पिक किया होगा, इस क्वालिटी भी उस हिसाब से आई है इसकी। मैंने अपना साइज इसमें एक्सल पिक किया है क्योंकि आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो मैंने कई बार मैंशन किया है कि अगर मैं टॉप और बॉटम का सेट लेती हूँ तो मैं हमेशा एक्सल साइज पिक करती हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर का टॉप तो आ जाता है एल और बॉटम मुझे एक्सल ही आता है, तो मुझे एक्सल पिक करना होता है अगर मुझे दोनों सेट लेने हैं। तो इस वजह से मैंने इसका एक्सल साइज पिक किया है। तो ये देखिएगा, ये मिलेगा आपको इसका टॉप। थोड़ा डिफरेंट सा पैटर्न है इसका और लेकिन पहनने के बाद गाइस ये बहुत प्यारा लगता है। ये थोड़ा ना फ्रॉक सी स्टाइल में आएगा आपको, ये शॉर्ट में इस तरह से आ जाएगा। ऊपर आपको मिलेगा इसका एक कॉलर नेक और इसमें ना डिजाइन फ्रंट का बहुत प्यारा लगता है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का स्टाइल मिलेगा आपको फ्रंट में इस तरह से। स्लीव्स आपको कट स्लीव जाएगी, इसमें आपको स्लीव्स इंक्लूड नहीं की गई है तो समर के लिए काफ़ी अच्छा है। जो लोग कट स्लीव्स पहन लेते हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है ये। और बीच में आपको इस तरह से ना ये घेर टाइप का बटन मिल जाएगा आपके, इसमें ना इस तरह से प्लेटेड बनी हुई है तो थोड़ा सा इस तरह से घेर में आएगा फिट और थोड़ा फ्ले टाइप का आएगा इस तरह से। पीछे आपको इस तरह से ना बेल्ट भी इंक्लूड की गई है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये, क्योंकि मुझे उसका ऊपर का टॉप थोड़ा सा लूज आ रहा है तो बेल्ट लगाने के बाद इसकी फिटिंग एकदम परफेक्ट हो जाती है। ये आपको ऑलमोस्ट कमर से नीचे तक आ जाएगा, नीचे थोड़ा ऊपर आएगा आपको ये। ट्रायल में पूरा ऑल ओवर लुक देख लीजिएगा, थोड़ा प्रिंटेड मिलेगा आपको ये पूरा। ये देखिएगा पीछे से ना आपको लाइनिंग लाइनिंग से मिल रही होगी, पूरे में आपको इस तरह से प्रिंटेड वाला मिल जाएगा, ये व्हाइट कलर की लाइनिंग मिल रही होगी आपको ये। तो इस तरह से आएगा ऊपर का टॉप और इसका बॉटम भी आपको इस तरह से सेम ही आएगा, बॉटम भी आपको इसका फ्रंट पे मिल जाएगी आपको ये वेस्ट पे इलास्टिक बोथ साइड में इस तरह से, पूरे में आपको इस तरह से व्हाइट इस तरह से लाइनिंग बनी हुई मिल जाएगी प्रिंटेड इस तरह से फ्रंट में और बैक में। इसमें आई थिंक आपको पॉकेट भी इंक्लूड की गई है, इसमें वन साइडेड आपको पॉकेट मिल जाएगी इसके अंदर ये। और ये थोड़ा ना ऊपर आके थोड़ा ऊपर से थोड़ा सा लूज हल्का सा नीचे आके आते आते नैरो हो जाता है। ये पैंट है, ये पूरा प्लाजो लुक नहीं देगा, पैंट वाला लुक देगा ये। तो गाइस देखिए क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, पहनने के बाद काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और इसकी रेट भी आई थिंक 450 या 460 है, उसके अकॉर्डिंगली बहुत हाई क्वालिटी आई है। आपको लेना है तो समझ लिया, आप डेफिनेटली पिक कर सकते हैं इस कॉर्सेट को, मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉर्सेट की। नेक्स्ट कॉर्सेट भी फ्रेंड्स बहुत बहुत प्यारा है। आज समर में ना इस तरह के प्रिंट बहुत अच्छे होते हैं, ये पिंकिश में मिलेगा आपको, तो ना मल्टी सा कलर का प्रिंट मिल जाएगा आपको ये इस तरह से। ये शर्ट स्टाइल में आएगा टॉप इसका और बॉटम में इसका ये पेंट आ जाएगा आपको। ये फैब्रिक मिलेगा आपको इसका रेयन का, साइज मिलेंगे आपको इसमें एक्सल से लेके एक्सल तक के, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने साइज में एक्सल पिक किया है तो ये देखिएगा क्या आएगा आपको शर्ट स्टाइल में। इसके अंदर ना प्रिंट एक और है लेकिन वो इतना कंफ्यूजन होता है, पता नहीं चल रहा कि दोनों प्रिंटों में अंतर क्या है। तो आप कोई सा प्रिंट मंगा लीजिएगा, दोनों ही प्रिंट बहुत प्यारे हैं। ये देखिएगा फ्रंट में आपको मिल जाएगा ये कॉलर वाला नेक, बटन मिलेंगे आपको ये फ्रंट ओपन वाले, आपको चार पांच बटन की डिटेलिंग मिल जाएगी। स्लीव्स इसमें हाफ मिल जाएगी, आप इसको शर्ट को ओपन करके पहनेंगे ना अंदर ट्विन टॉप पहन के तो गाइस बहुत प्यारा लगेगा ये। और लेंथ में ये ज़्यादा क्रॉप भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, आप ट्रायल में देख लीजिएगा। साथ में आएगा इसका सेम ही इसका बॉटम, ये देखिएगा ये प्लाजो पैंट टाइप की होती है ना, हल्का हल्का सा प्लाजो वाला लुक आएगा इसमें इस तरह से, पूरा सेम वही प्रिंटेड वाला मिलेगा आपको ये। फ्रंट में मिलेगी आपको ये बेल्ट, पीछे मिल जाएगी आपको इसमें ये इलास्टिक और इसमें कुछ बटन वगैरह नहीं है लेकिन साइड में आपको इसमें जिप दी गई है, साइड से ये ओपन होगा तो आपको अगर इजिली आ जाता है ऐसे ही तो ऐसे पहन लीजिएगा, इसको ओपन करके पहनना है तो उसको ओपन करके पहन लीजिएगा, साइड में आपको जिप मिल जाएगी इस तरह से ये। इसमें पॉकेट इंक्लूड नहीं की गई है, नीचे आपको थोड़ा सा ये लूज वाला पैटर्न मिलेगा, थोड़ा सा लूज आएगा ये। पर गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगी, आप डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। मेरे साथ तो ये इशू हो गया है कि मुझे ये आ नहीं रहा है, मतलब टॉप इसका आ रहा है पता नहीं, बॉटम मुझे एक्सेल आ जाता है लेकिन मुझे इसका बॉटम भी कमर से थोड़ा टाइट आ रहा है। तो जिनका साइज छोटा है, स्मॉल है, मीडियम है, एल है, साइज वाले तो इसको डेफिनेटली पिक कर सकते हैं, मुझे रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसका ये बॉटम थोड़ा सा टाइट आ रहा है और हल्का फुल्का टाइट भी रहता है तो मैं बॉटम नहीं पहनती हूँ, मुझे थोड़ा कम्फर्ट ही चाहिए होता है। बट गाइस क्वालिटी के मामले में 10/10 है, जस्ट गो फॉर।
अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉर्सेट की। तो नेक्स्ट कॉर्सेट मिलेगा आपको ये। इस कॉर्सेट में ए मतलब पिक्चर में मेंशन है, अलग प्रिंट हो रहा है और जो आया है उसका प्रिंट थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि कभी कभी पिक्चर में हो जाता है कि हमको जो दिखाया देता है और जो हमारे पास आता है उसमें थोड़ा अंतर होता ही है। तो आप पिक्चर भी देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये सेम ही है, मुझे थोड़ा सा प्रिंट में डिफरेंस लग रहा है और उसमें चमक भी थी कपड़े के अंदर, ये थोड़ा सा कपड़ा मुझे डल डल सा लग रहा है। उसमें फैब्रिक मेंशन था कि इसके अंदर कॉटन फैब्रिक है उसका, लेकिन ये मुझे पॉलिस्टर फैब्रिक लग रहा है, कॉटन फैब्रिक नहीं लग रहा है। पर मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि कपड़े की क्वालिटी मुझे ठीक लग रही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब लग रहा है। आपको लेना हो तो आप एक बार जरूर ट्राई करके देख सकते हैं इसको। तो ये मिलेगा आपको टॉप और बॉटम का सेट, साइज इसके अंदर मिल जाएंगे आपको एक्सएल से लेकर डबल एक्सएल तक के साइज मिल जाएंगे। फैब्रिक इसमें मेंशन है कि पॉली कॉटन इसका फैब्रिक है, लेकिन पॉलिस्टर फैब्रिक लग रहा है मुझे इसका ये। तो ये देखिएगा, ये भी पूरा मल्टी कलर टाइप में आएगा आपको, ये पूरा मल्टी कलर में आएगा, इस तरह से डार्क कलर के इस तरह से मल्टी सा कलर आ जाएगा, पूरा प्रिंटेड आएगा पूरा ही आपको फ्रंट में भी और बैक में भी। इस तरह से मैंने अपना साइज के अंदर एक्सेल ही पिक किया है। फ्रंट पे मिल जाएगी आपको एक कॉलर नेक, हल्का सा बीम आ जाएगा नी, और नीचे थोड़ा अंगरा का टाइप का पैटर्न मिलेगा आपको ये। ये देखिएगा तीन बटन की डेली मिलेगी और साइड में इस तरह से अंगरा का टाइप का पैटर्न आएगा, हल्का सा इस तरह से आएगा आपको ये। आप टालों में देख लीजिएगा पहनने के बाद कैसा लुक लग रहा है। 3/4 स्लीव मिल जाएगी ये, और ये लेंथ में आपको ट्यूनिक टॉप टाइप में होती है, थोड़ी लॉन्ग टॉप होता है ना शॉर्ट कुर्ती टाइप में, वैसा आएगा ये। हाई लो वाला है, थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा हाई आएगा, नीचे से थोड़ा सा लो में आएगा इस तरह से। तो ये देखिएगा पहनने के बाद लेकिन गाइस काफी प्यारा लग रहा है, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल खराब है, पहनने के बाद काफी अच्छा लग रहा है। पहले देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आराम से इसको। बॉटम भी आपको सेम प्रिंटेड मिलेगा इस तरह से, बॉटम इसका फ्रंट में बैक में इलास्टिक मिल जाएगी इस तरह से ये, और ये भी आपको पूरा इस तरह से आएगा, पैंट में आएगा ये, प्लाजो लुक में नहीं आएगा, नीचे जाते तो थोड़ा नैरो हो जाएगा, तो ये पैंट लुक में आएगा आपको ये। तो आप एक बार ट्रायल में देख लीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो एक बार आप ट्राई करके देख सकते हैं। अब बात करें नेक्स्ट कॉर्सेट की, बट उससे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो या चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज फ्रेंड चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आज के कॉर्सेट में कौन सा कॉर्सेट आज के कॉर्सेट में आपको कौन सा वाला कॉर्सेट सबसे ज्यादा पसंद आया, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो नेक्स्ट मैंने दो पिक किया है इसमें, स्कर्ट और टॉप का सेट पे काफी टाइम से सर्च कर रही थी कि मुझे दो मिले थे, तो मैंने दो पिक किए हैं इसके अंदर। ये देखिएगा फर्स्ट तो ये है टॉप और बॉटम का सेट, मतलब टॉप मिलेगा और स्कर्ट मिलेगी। फर्स्ट तो इसका कलर बहुत प्यारा है, इसका कलर लेवेंडर कलर। इसमें आपको दो कलर ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट तो ये मैंने पिक किया है, सेकंड में आपको टॉप मिलेगा व्हाइट का, और स्कर्ट में थोड़ा डिफरेंट प्रिंटेड स्कर्ट मिल जाएगी, तो आपको वो पसंद है तो वो लीजिएगा। साइज इसमें मिलेंगे आपको स्मॉल से लेके एक्सल तक के साइज मिलेंगे। फैब्रिक है पॉलीकॉटन का इसके अंदर, तो गाइस देख लेते हैं इसको। मैंने एक्सल साइज पिक किया है इसके अंदर, हालांकि इसकी रेटिंग 3.5 थी, लेकिन मॉडल ने पहना था मुझे बहुत प्यारा लगा, मैं यार एक बार पिक करके तो देखती हूँ कि कैसा लगता है ये। रेट के अकॉर्डिंगली जिस तरह से रेटिंग थी ना उस हिसाब से ही इसका फैब्रिक आया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके टॉप की। तो ये देखिएगा टॉप मिलेगा आपको पॉलीकॉटन का, इसकी कपड़े की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आई है। ये देखिएगा आपको प्लेन में मिलेगा ये टॉप, ये देखिएगा लेंथ में आपको मतलब नॉर्मल आएगा, ना बहुत ज़्यादा क्रॉप आएगा ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग आएगा, तो मीडियम इसकी लेंथ आ जाएगी आपको। इस तरह से गले पे थोड़ा स्मॉल राउंड नेक मिल जाएगा, स्लीव्स हाफ मिलेगी, और कपड़ा का फैब्रिक ऐसा है ना हल्का सा स्ट्रेची है, तो आपके बॉडी के हिसाब से ना आराम से फिट हो जाएगा। फैब्रिक इसका काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। तो ये जो है प्लेन इसका टॉप, और साथ मिलेगी आपको स्कर्ट गाइस। स्कर्ट भी वैसे तो बहुत प्यारी है, बट इसका फैब्रिक मेंशन है कि पॉली कॉटन फैब्रिक है, लेकिन दिखने पर नहीं, हाथ पे लेने पर पॉलिस्टर फैब्रिक लग रहा है। अगर इसके कपड़े के फैब्रिक की क्वालिटी थोड़ी सी हाई कर देते ना तो गाइस ये बहुत मस्त लगता, क्योंकि पहनने के बाद तो ये बहुत प्यारा लगता है। आप टेलर में देख लीजिएगा कि पहनने का तो इतना प्यारा लग रहा ना, बस इसका फैब्रिक थोड़ा सा ऐसा है जो बॉडी से ना चिपकता है, तो मुझे वो पसंद नहीं आता है बिल्कुल भी। ये देखिएगा ये आपको फ्रंट पे बैक में, तो इसमें स्कर्ट में मिलेगी बेल्ट, ये बहुत साइड में बेल्ट वगैरह भी काफ़ी अच्छी खासी दे रखी, क्वालिटी हाई है इसकी काफ़ी। पूरा आएगा आपको इस तरह से फ्लावर प्रिंट बने हुए हैं, इस तरह से देखिएगा फ्रंट में और बैक में। इस तरह से घेर भी आपको अच्छा खासा घेर मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चिपकता हुआ है, घेर मिलेगा इसके अंदर अच्छा। बट इसमें ना ये कट है ना वैसा आएगा, जो होता है ना आगे पीछे से तो आ जाता है लो और साइड में हाई रहता है थोड़ा सा, वो वाला कट मिलेगा इसका। बस इसमें एक इशू आया है, वैसे सी थ्रू भी नहीं है ये, और पहनने का इतना प्यारा लगता है ना, तो उस हिसाब से लोगों ने रेटिंग दिया है। मैं इसको थोड़ी सी है कि 3.7 रेटिंग दे दूंगी, बट थोड़ा सा इसको फैब्रिक अच्छा कर देते ना गाइस, ये माइंड ब्लोइंग हो जाती है ये सेट। लेकिन फिर भी आपको पसंद आए तो आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, मैं 100% रिकमेंड नहीं करूँगी, और बिल्कुल ये भी नहीं बोलूँगी कि एकदम बेकार है, मतलब एवरेज इसका आपको क्वालिटी मिल जाएगी, तो एक बार आप ट्राई करके देख सकते हैं। आप बात करते हैं नेक्स्ट कॉर्सेट की, ये कॉर्सेट भी फ्रेंड्स बहुत प्यारा है, और जैसा मेंशन था सेम टू सेम मुझे रिसीव हुआ है,
क्वालिटी भी मुझे इसकी काफी अच्छी लग रही है। इसमें आपको तीन कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। मुझे तो गाइस ये वाला कलर बहुत प्यारा लगा था तो मैंने ये पिक किया। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, साइज मिलेंगे आपको स्मॉल से लेके डबल एक्सल तक के, और सारे साइज अभी अवेलेबल है। और इसका फैब्रिक ना मिक्स ऑफ फैब्रिक है, कपड़े में हल्की सी शाइनिंग भी है लेकिन समर में भी काफी अच्छा है। बहुत कंफर्टेबल, बहुत लाइट फील होगा आपको इसको पहनने के बाद में। तो बात कर लेते हैं इसका टॉप की। मेरा साइज इसमें एक्सेल ही पिक किया है। जिनको अगर मेरे जैसे प्रॉब्लम है कि टॉप आपको जो साइज होता है वही आता है, अगर बॉटम आपको एक साइज बड़ा चाहिए होता है तो आप एक्सेल साइज पिक कीजिएगा, अदरवाइज आपका टू साइज पिक कीजिएगा। ये देखिएगा, ये मिलेगा आपको इसका टॉप, फुल प्रिंटेड मिलेगा, मतलब फ्लावर्स ऑफ प्रिंट है इसके अंदर, पीच मिलेगा इसके अंदर, मतलब पीच का थोड़ा ना कटस ज्यादा है इसके अंदर, ग्रीन भी है, थोड़ा हल्के सा येलो भी है इसके अंदर, बहुत प्यारा सा कलर है ये, मतलब मल्टी कलर सा है ये। फ्रंट में और बैक में आपको सब तरफ इस तरह से फुल प्रिंटेड मिलेगा आपको ये। हल्का सा आपको हाफ में ये ना कॉलर टाइप का नेक मिलेगा, फिर नीचे जाके थोड़ा सा इसमें ना ये वी कट मिल जाएगा आपको, इस तरह से ना वी सा मिलेगा, और स्लीव्स मिलेगी आपको, मतलब एल्बो तक आ रही है स्लीव्स मुझे ये, पूरा स्ट्रेट में आएगा आपको ये। साइड में आपको स्लीव भी प्रोवाइड हो जाएगी गाइस, सी थ्रू भी बिल्कुल नहीं है, और ये मुझे 5/4 हेड के हिसाब से ना आनी तक आ रहा है ऑलमोस्ट, आप टैलर में देख लीजिएगा और पहनने के बाद नो डाउट बहुत प्यारा है। तो ये मिलेगा आपको इसका ये टॉप इस तरह से बिल्कुल, और साथ में आएगा बॉटम, अगेन बॉटम भी बिल्कुल सेम है, वही सेम प्रिंट मिल जाएगा आपको, इसका फैब्रिक भी आप उसका सेम मिलेगा। इसमें मिलेगा आपको फ्रंट में ये बेल्ट मिल जाएगी आपको ये देखिएगा, और पीछे आपको इलास्टिक आ जाएगी इसके अंदर ये। बोथ साइड में आपको पॉकेट इंक्लूड की गई है, इधर भी मिलेगी आपको पॉकेट और इधर भी मिलेगी आपको पॉकेट, और इसमें देखिएगा फुल प्रिंटेड मिलेगा आपको ये ना फिट होते होते नीचे जाके ना हल्का सा लूज लूज सा, मतलब थोड़ा सा प्लाजो वाला फील आता है, मतलब रेगुलर जो प्लाजो होता है ना वैसा आपको लुक मिलेगा इसके अंदर ये। बट गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगी क्वालिटी वगैरह के मामले में और रेट के अकॉर्डिंगली भी ये काफ़ी अच्छी रेट में आया है। वैसे इसकी रेट ना पहली बार मैंने एक इस तरह का ये सेट देखा है जिसमें इतना अच्छा डिस्काउंट है, मतलब ये वैसे एक्चुअल रेट इसकी 9000 अंडर है, 994 या कुछ ऐसी है, इसके अंदर आपको 45% का डिस्काउंट मिलेगा, ये डिस्काउंट है अवेलेबल, तो उसके बाद मुझे अराउंड 500 तक का ही पड़ा है। उसके हिसाब से क्वालिटी बहुत अमेजिंग आई, आपको चाहिए तो गाइस गो फॉर इट। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉर्ड सेट की। तो नेक्स्ट में मैंने आपको बोला मैंने दो स्कर्ट का सेट लिया है, तो एक तो मैंने आपको दिखा दिया था, सेकंड है ये वाला स्कर्ट है, बट इसमें गाइस कलर चेंज आ गया है। इसके अंदर दो कलर ऑप्शन थे, ग्रीन और ये ब्लैक वाला, मैंने ग्रीन वाला ऑर्डर किया था, उन्होंने मुझे ये ब्लैक भेज दिया है, बट इसका ब्लैक भी बहुत प्यारा है, हो सकता हो मे बी ग्रीन वाले आउट ऑफ स्टॉक हो चुका हो इसलिए उन्होंने ये भेज दिया है मुझे। साइज मिलेंगे इसके अंदर आपको स्मॉल से लेके एक्सल तक के सारे साइज अवेलेबल है, मैंने एक्सल साइज पिक किया है। इसमें फैब्रिक मिलेगा इसका पॉलीकॉटन का। तो हम बात कर लेते हैं इसके टॉप की। ये देखिए टॉप आएगा इससे थोड़ा क्रॉप में, ये देखिएगा थोड़ा क्रॉप आएगा। इसको आप जरूरी नहीं है कि स्कर्ट के साथ पहने, आप इसको मल्टी यूज में काम में ले सकते हैं, जींस वगैरह पहन रहे हैं तो उसके साथ भी क्रॉप टॉप को यूज में ले सकते हैं। ब्लैक है, ब्लैक तो सबके साथ में चल भी जाता है। तो ये ना आपको गला थोड़ा राउंड में स्मॉल राउंड सा मिलेगा, इसे फिट आएगा लेकिन बहुत ज्यादा टाइट नहीं रहेगा, थोड़ा एकदम फिटिंग में आएगा ये इस तरह से। स्लीव्स में नहीं इंक्लूड की गई है, कट स्लीव्स मिलेगा आपको ये, और ये क्रॉप तो ये है ही है, थोड़ा सा स्ट्रेची भी है तो बॉडी के हिसाब से बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। देखिए क्वालिटी कपड़े की काफी अच्छी है, बिल्कुल भी सी थ्रू भी नहीं है ये कपड़ा, ये पॉलीकॉटन का फैब्रिक है तो अच्छा फैब्रिक है इसका ये। अब बात करते हैं इसके स्कर्ट की। तो स्कर्ट मिलेगी आपको ये इस तरह की बिग्स, इसमें ना ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन मिलेगा इस तरह से, स्कर्ट आएगी पूरी ये फ्रंट और बैक में मिल जाएगी आपको, ये बोथ साइड में इलास्टिक इस तरह से, और ये थोड़ा सा ना हल्का सा इसमें घेर भी रहेगा, ऐसा नहीं बिल्कुल जो स्ट्रेट फिट में आती है ना वो नहीं है, हल्का सा आपको इस तरह से एलबी टाइप का हल्का सा घेर टाइप का मिल जाएगा आपको, ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है और पहनने के बाद काफ़ी कंफर्टेबल भी लगता है। साइड में आपको हल्का सा ये ना कट भी मिलेगा, ये हल्का सा कट भी दिया हुआ है। 5/4 हेड के हिसाब से मुझे ये काफ लेंथ तक आ रही है, मतलब नीचे नीचे आ रही है, काफ लेंथ तक आ रही है, ट्रायल में पूरा लुक देख लीजिएगा। लेकिन पहनने के बाद गाइस अच्छी भी लग रही है, कंफर्टेबल भी है बिल्कुल, आप वैकेशन पर जा रहे हैं तो, और वैसे भी अगर आपको पहनना है तो डेफिनेटली मैं तो वो रिकमेंड करूंगी, आप डेफिनेटली पिक कर सकते हैं इसको। तो ये था हमारा छोटा सा हॉल कॉर्ड सेट का, सबके इन्फॉर्मेशन कर दी है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।